दयालपुर नाम का एक गांव था जहां बाबूलाल नाम गरीब किसान रहता था। उस किसान के पास एक छोटा सा खेत था। उसी खेत में खेती करके जो भी अनाज होता उसी से बाबूलाल खुश था। उसकी बीवी निर्मला घर में एक गाय की देखभाल में लगी रहती और उसके दूध से भी कुछ खर्चे निकल जाया करते थे। कई बार खेत में फसल अच्छी नहीं होती थी। आज खेत में जाना जरूरी है, खेत भी सूखता जा रहा है, कुछ समझ नहीं आता। निर्मला, खेत में दिन रात मेहनत करते हो लेकिन फिर भी फसल अच्छी नहीं होती। भगवान ना जाने कब तक हमारी परीक्षा लेंगे। शुक्र है हमारे पास ये गाय है, नहीं तो हमारे घर में कुछ भी खाने को नहीं होता। देखो जी, हम इस गाय के दूध के व्यापार को बढ़ा लेते हैं जिससे कुछ तो पैसे आएंगे घर चलाने को। बोल तो तुम सही रही हो लेकिन खेत को भी तो नहीं छोड़ सकते। कभी ना कभी तो बारिश होगी जिससे खेतों में नमी आ जाएगी और फसल अच्छी होगी। क्या करें, कुछ समझ नहीं आती, मैं इस गरीबी से तंग आ गई। माँ जी की दवाइयों का खर्चा भी बड़ी मुश्किल से निकल पाता है। तुम चिंता मत करो निर्मला, भगवान के यहाँ देर है अंधेर नहीं। खेत में कुछ काम बाकी बचा है, मैं उसे निपटा कर आता हूँ। तुम माँ और बच्चों का ध्यान रखना। अच्छा जी, ठीक है। बाबूलाल घर से निकल कर सीधा खेतों की तरफ जा रहा था। उसे रास्ते में महान पंडित मिले। वह बाबूलाल को देखते ही गाने लगे। आज शुभ दिन आया है, तेरे समय ने तुझे बुलाया है। जिस घड़ी का तुझे इंतजार था वो तेरे निकट चला आया है। बाबूलाल को थोड़ा अजीब लगा। यह क्या बोल रहे हैं पंडित जी, मगर गांव में सब लोग जानते हैं कि ये एक महान पंडित हैं। इनका कहां कभी खाली नहीं जाता। प्रणाम पंडित जी, आज कहां को चल दिए और क्या बोलते जा रहे हो। वैसे तो रोज चुपचाप चले जाते हो, आज गाना गा रहे हो। पंडित बाबूलाल को ही घूरे जा रहा था और वही गीत गाए जा रहा था। आज शुभ दिन आया है, तेरे समय ने तुझे बुलाया है। जिस घड़ी का तुझे इंतजार था वो तेरे निकट चला आया है। अच्छा पंडित जी, अब मैं चलता हूँ। खेतों में बहुत काम है, बुवाई नहीं की तो फसल अच्छी नहीं होगी। उसके बाद बाबूलाल खेत में पहुँच गया और खेत खोदने लगा। आधा खेत खोद दिया, पूरा खेत खोदते हुए उसका फावड़ा किसी कठोर चीज से टकरा गया। यह क्या चीज है जिससे यह आवाज आई है, पूरा खोद कर देखना पड़ेगा। बाबूलाल तेजी से खोदने लगा और वहाँ खोदने के बाद उसे एक पतीला मिला। यह क्या, पतीले को भी कोई जमीन में गाड़ता है। कल तक तो यहाँ कुछ नहीं था। खैर छोड़ो, अब मेरे खेत में मिला है तो मेरा हुआ, चलो घर ले जाता हूँ इसे। बाबूलाल पूरा खेत जोतकर पतीला लेकर अपने घर चल दिया और अपनी पत्नी से बोला, देखो क्या मिला है मुझे खेत में आज, लगता है कोई कल रात को ही गाड़ कर गया था। बताओ तो, ये भी कोई खेतों में गाड़ते हैं। चलो अच्छा है, किसी काम तो आएगा। कितना अच्छा होता कि कहानियों की तरह सोने से भरा हुआ घड़ा मिलता आपको। अच्छा अब सपनों को छोड़कर इस पतीले को साफ कर लेना, दूध निकालने के काम ही आ जाएगा। तुम्हें अब कोई दूसरा बर्तन नहीं खरीदना पड़ेगा। ठीक है, सफाई बाद में, अभी माँ जी को खाना देना है। बाबूलाल ने पतीले को नीचे रखा और अपने घर के काम में लग गया। रोज के सारे काम सामान्य तरीके से चल रहे थे, सब सो गए। अगले दिन उठे और अपने काम में लग गए।